Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका आज का दिन. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस Pretty 24 क्रीम के बारे में जो कि विनी ब्रांड का है. विनी ब्रांड वही ब्रांड है जिसने लॉन्च की थी द ग्लैम ग्लैम अप करके एक क्रीम जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी. ये फर्स्ट बीबी क्रीम थी आई थिंक मार्केट में आई थी. सॉर्ट ऑफ बीबी क्रीम थी, इसे बीबी क्रीम नहीं कह सकते. एक फाउंडेशन था कि जस्ट फेस पे लगाओ और मेकअप कर लो. बहुत मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी. मेरे सर्कल में मैं पहली थी जिसने मैंने इस क्रीम को यूज़ किया था अपनी फेयरवेल के ऊपर. तो बहुत ज़्यादा मेकअप में मैंने ली थी स्कूल टाइम में, शायद मैंने ये क्रीम ली थी या कॉलेज टाइम में. मैं बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करती थी जब मुझे कहीं पर जाना होता था, किसी फंक्शन में जाना होता था, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया था मेकअप करने के लिए. तो थोड़ी बहुत जैसे हल्का फुल्का बीबी क्रीम वगैरह हम यूज़ कर लेते थे. तो ये चीज़ था, तो मुझे पर्सनली पसंद था. तो मुझे लगा कि इस क्रीम को तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. तो ये वाली जो क्रीम है ये विनी ब्रांड की है, 24 करके है, और यहाँ पर तीन लड़कियाँ बनी हुई है. इस पैकेजिंग को देखकर मुझे तो टोटली फेयर एंड लवली की याद आ गई, क्योंकि सॉर्ट ऑफ वैसी ही इसकी जो पैकेजिंग है वैसी है. जस्ट वो वाइट और पिंक पे है और ये टोटली लाइट पिंक और डार्क पिंक पे है. वैसे ये फेयरनेस को प्रमोट नहीं कर रही है, कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन को फेयर करेगी, जो सबसे अच्छी बात है. फेयरनेस को मैं भी प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि सभी स्किन टोन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं. जस्ट आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए. कोई भी काला या गोरा ऐसा नहीं होता है कि जो गोरा है सिर्फ वही सुंदर है. मेरे बहुत सारी दोस्त ऐसी हैं जो कॉम्प्लेक्शन में थोड़ी सी डार्क है, लेकिन उनके फीचर कट्स इतने खूबसूरत हैं, भगवान ने उन्हें इतना खूबसूरत बनाया है कि उनकी स्किन जो है वो एक इतनी ज़्यादा शाइन करती है. फीचर्स इतने इन्हांस हुए हैं उनके कि देख के लगता है यार ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है. तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्शन को वो ना करें कि आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप खूबसूरत नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. बस आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होनी चाहिए. तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, और इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर मैं पढ़ने बैठी तो पूरा दिन ही निकल जाएगा. और यूज़ में आपको बताया हुआ कि जस्ट आपको अपने फेस को क्लेंस करना है और उसके बाद इसे अप्लाई करना है, और ये हेल्प करता है आपकी स्किन को ब्राइट करने में, और आपकी जो स्किन है उसे कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा ब्राइट दिखाने के लिए. ऐसा ब्राइट मीन्स फेयर नहीं दिखाना है, जस्ट आपकी कॉम्प्लेक्शन में थोड़ी सी शाइन ले आएगा, ग्लोई बना देगा. तो इस तरीके की पैकेजिंग है. जब हम इसे ओपन करते हैं तो ऐसी ही पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर की कॉम्बिनेशन में ट्यूब मिलती है, और लाइट पिंक कलर का इसका जो है यहाँ पर ढक्कन मिल जाता है. और यहाँ पर प्राइजेज और वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंशन नहीं है. प्राइजेज और शेल्फ लाइफ जो है वो यहाँ पर मैंशन की हुई है कार्डबोर्ड वाले पैक के ऊपर. 149 रुपीज़ इसका प्राइस है, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 24 मंथ्स है, तो यानी कि 2 साल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. जब हम इसे ओपन करते हैं, इसे सिर्फ 3 से 4 बार मैंने इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा बार नहीं किया है. जस्ट हम जब इसे ओपन करते हैं कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आता है. ना तो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है. और इसकी जैसे ही आप से ओपन करेंगे एक बहुत ही अच्छे से फ्रेगनेंस आ रही है, जैसे कि फ्रेगनेंस है टोटली जो सनसिल्क की पिंक वाला शैम्पू है, कुछ वैसी ही फ्रेगनेंस है जो अपने आपके बालों को थिक कर देता है. वैसी कुछ फ्रेगनेंस है. जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में चला जाता है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे मालूम है. और यह आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है. ऐसा लगता है कि जस्ट आपकी स्किन में कोई सीरम चला गया है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर शाइन आ गई है, ग्लोई बन गया है. तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है. ऑल स्किन टाइप वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई इसकी कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, चाहे ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, या फिर कोई भी स्किन टाइप वाला हो. चाहे आपके फेस के ऊपर एक्ने है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और दूसरी चीज़, ये बिल्कुल भी फेयरनेस को प्रमोट नहीं कर रही है. ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके पैकेजिंग थोड़ा सा आपको मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग के ऊपर तीन लड़कियाँ बनी हुई हैं
जो कि सांवली है, फिर थोड़ी सी मीडियम स्किन टोन में आई और ये फिर एकदम फेयर हो गई। तो बेसिकली ये मेंशन ये दिखाना चाहते हैं कि ये तीनों की तीनों जो लड़कियां हैं कोई भी स्किन टाइप वाला इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो बहुत सारे लोग इसे शायद गलत वे में ले जाएंगे कि ये शायद बीबी क्रीम है या फिर ये जो है फेयरनेस क्रीम है कोई, पर ये फेयरनेस क्रीम नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन को कोई भी स्किन टाइप वाला इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे सांवला हो, गोरा हो या फिर मीडियम स्किन टोन वाला ही क्यों ना हो। जस्ट ये आपकी स्किन को ग्लोई और ब्राइट कर देगा, दिखाएगा ऐसे कि जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई है, बहुत अच्छी स्किन कर देगा, हाइड्रेट कर देगा, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करेगी और शाइन करेगी। तो ये क्रीम जस्ट एक मॉइस्चराइज़र है, जो कि सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये एक मॉइस्चराइज़र है। जस्ट इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर नॉर्मली मैं निविया की क्रीम लूँ या पोन्स की क्रीम लूँ तो वो भी इससे बड़ी आती है इस प्राइस में। तो बस प्राइसिंग वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है और प्राइजेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। इस वजह से इसको शायद लोग ना खरीदना पसंद करें। अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी क्वालिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी आपको ब्राइटनिंग ज़रूर देगा। तो मेरी तरफ से ये बिग थम्स अप है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन इसके दो पैक अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी सर्च कर चुकी हूँ। तो अगर आप दो पैक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप परचेज कर सकते हैं। सिंगल पीस अगर आपको भी कहीं किसी वेबसाइट पे मिल जाए तो ज़रूर परचेज कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही आसानी से ये किसी भी फार्मेसी शॉप पे या फिर किसी भी जो नियर बाय आपका सुपरमार्केट है वहाँ पर मिल जाएगा, या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे भी आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो इसे परचेज कर लीजिए, शायद वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक जो है वो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको हिट कर दीजिए, उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हम ऐसे ही हर रोज मिलते रहे। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।